विनायक गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और के शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ मेरठ से जुड़ रहे हैं। पहले विनायक आपके पास आ रही हूं। इस वक्त नोएडा में एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है 472 के पार बता रहा है, ऐसे में कितनी दुविधा लोगों को हो रही है सांस लेने में, कितनी तकलीफ, और क्योंकि हमने तस्वीरें वो भी देखी हैं जहां लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हुए योगा जब कर रहे हैं तो मास्क लगाकर करना पड़ रहा है। जी आपको बता दें कि दीपावली के बाद से ही जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता ही जा रहा है। बीच में 8 और 9 तारीख को जो प्रदूषण का स्तर है वो थोड़ा कम हुआ था, जिसके बाद से थोड़ी राहत मिली थी, पर उसके बाद से देखा जाए प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ते ही चला गया जाए। 450 और 500 और 350 के बीच में बना रहा, जो कि खतरों की घंटी, हवा बिल्कुल खतरनाक है। कल हमारी डॉक्टर से भी बात हुई थी, उनका साफ तौर पर कहना था नोएडा के CMO का कि जो प्रदूषण से जो नोएडा के जितने प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल है उसमें मरीजों का दोगुना मरीज आ रहे हैं, जिससे जिनको सांसों में लेने में दिक्कत और आंखों में पानी जैसी आ रही है, जो प्रदूषण के कारण ही होता है। वहीं नोएडा के CMO ने जो नोएडा ग्रेटर नोएडा के जितने भी अस्पताल हैं उनको साफ तौर पर गाइडलाइन जारी कर रखी है कि जो भी अगर ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत होती है, उनकी कोई भी तरीके की लापरवाही न हेल्थ इमरजेंसी लग चुकी है और हवा में मौत घुली हुई दिखाई दे रही है। जहर इस कदर बढ़ चुका है कि लोग इतने परेशान हैं, बगैर मास्क के सांस लेना मुश्किल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि RTO विभाग की तरफ से भी कार्रवाई की गई है और प्रशासन भी इस पर सख्त है। कई ऐसी फैक्ट्रियों को बंद कराई जा रहा है जो प्रदूषण फैला रही है, कंस्ट्रक्शन साइट पर भी रोक लगा रखी है, उसके बावजूद भी पॉल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा, इसके क्या कारण हो सकते हैं? जी आपको बता दूं कि जिला प्रशासन और नोएडा प्राधिकरण की तरफ से शुरू में जो पोल्यूशन स्तर था उस पर कार्रवाई करी गई थी कि कुछ समय के लिए जो कंस्ट्रक्शन साइट थी उन पर रोक लगाई गई थी, और जितने भी नोएडा प्राधिकरण की तरफ से जो वाटर टैंकर थे उनको अलग अलग स्थानों पर लगाया गया था जहाँ पे प्रदूषण ज्यादा था वहाँ पेड़ों पर छिड़काव किया जा रहा था। पर 8 और 9 तारीख के बाद से नोएडा प्राधिकरण के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा कंस्ट्रक्शन साइट चालू करवा दी गई थी, उसके बाद खुदाई भी चालू हुई थी, पर अब देखा जाए 8 और 9 तारीख के बाद से प्रशासन बिल्कुल लापरवाही बरता हुआ था, जिसकी वजह से प्रदूषण स्तर बढ़ता हुआ दिख रहा है। ना ही कहीं पे पानी का छिड़काव किया जा रहा है और ना ही कंस्ट्रक्शन साइट पर रोक लगाई जा रही है। जो बदरपुर है बाहर रोड पे पड़े हुए हैं वो हवा में उड़ रहे हैं, जिससे प्रदूषण और ज्यादा बिल्कुल फिलहाल जो कदम उठाए गए वो भी नाकाफी है और जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनका भी पालन नहीं हो रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल के शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरठ से। मेरठ में क्या AQI है इस वक्त के और क्या हालात दिखाई दे रहे हैं? वंदना मैं आपको बताऊं कि दिन में तो हालात सुधरे हुए हैं, लेकिन सुबह और शाम ये हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और दोनों जो पॉल्यूशन का स्तर है उसमें कम से कम 100 से 150 का फर्क है, यानी कि रात को अगर हम देखें तो 300 और 400 के बीच में, और दिन में देखें तो 250 और 300 के बीच में। NCR और मेरठ में हर तरफ पराली जलाने के प्रति जो लोगों का अवेयरनेस होना चाहिए था वो नहीं है। गांव में कोलू कल्सर चल पड़े हैं जिनसे धुआं निकल रहा है। अभी मुझे मेरठ और आसपास के क्षेत्र में घूमने का अवसर मिला तो मैंने वहां पे कल्सर देखे जो खुले आम काला धुआं निकाल रहे हैं। और वही पिछले 3 दिनों में जो ट्रैफिक जाम है बारात की वजह से और गंगा स्नान की वजह से, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ा है। वंदना जी क्या इसके अलावा हम देख रहे हैं लगातार कि पोल्यूशन 3-4 दिन पहले कुछ कम हुआ था लेकिन अचानक से फिर बढ़ोतरी हो रही है, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका मेन कारण तो व्हीकल से, और जो गांव में कोलू और कलेसर गांव में जो गन्ना पिराई हो रही है अवैध रूप से वो सबसे बड़ा सामने आ रहा है। और हम आपको बता दें कि ये जो कूड़ा जलता है सुबह सुबह नगर निगम के लोग निकलते हैं वो कूड़ा उठाने से बचाने के लिए यहीं पर पॉलीथीन और दूसरा कूड़ा जलाते हैं। मेरठ में कम से कम 55 से लेकर 100 तक ऐसी जगह चिन्हित की गई है जहाँ सुबह सुबह कूड़ा चलता है और रात को कूड़ा चलता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस बारे में देखा है कि 1 करोड़ पौधे लगाए गए सरकार की तरफ से, भी एक लक्ष्य रखा गया वृक्षारोपण को लेकर, पर्यावरण को संरक्षित करने को लेकर, सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, उसके बाद भी अगर इस तरह के हालात बिगड़ेंगे, कितनी खतरनाक स्थिति पर इस वक्त पॉल्यूशन नजर आ रहा है? 22 करोड़ पेड़ लगाने का योगी शासन ने ये एक लक्ष्य रखा था और पॉलीथीन पर भी रोक लगाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन ये सारा नाकाफी हुआ क्योंकि जितने भी सरकारी अफसर हैं वो पॉल्यूशन को लेकर संवेदनशील नहीं है। अगर आला अधिकारी पॉल्यूशन के लिए अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाते हैं तो आम लोगों में भी इसका संदेश जाता है, लेकिन यहाँ पर ना तो ट्रैफिक कंट्रोल है, ना कोलू कलेसर पर रोक है और ना ही पराली जलाने पर रोक है। और सबसे बड़ी बात, रात और शाम का जो ये तापमान है
वो अस्थमा के मरीजों को ज्यादा परेशानी कर रहा है, किडनी के रोगी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और मेरठ और आसपास में किडनी के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। वंदना बिल्कुल, क्योंकि आप बने रहे हमारे साथ, विनायक के पास में पहुंचूंगी। विनायक आप बताएं कि जो एहतियात तमाम बरती जा रहे हैं, उसके बावजूद भी जो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इसका कारण ये भी है कि अधिकारी अपने एसी दफ्तरों में बैठकर ही पॉल्यूशन कंट्रोल करने की बातें कर रहे हैं, सिर्फ निर्देश जारी कर रहे हैं, खुद से उसका पालन नहीं कर रहे। जी आपको बता दें कि शुरू में जब प्रदूषण स्तर बढ़ा था तो अधिकारियों को जब फटकार लगे थे योगी जी के द्वारा मीटिंग करने के बाद में, उसके बाद में अधिकारी कुछ समय के लिए जो है कि सड़कों पर उतरे थे और प्रशासन की तरफ से कार्रवाई भी की गई थी, पर उसके बाद में अगर देखा जाए जब प्रदूषण स्तर कम होने के बाद में 9 तारीख के 8 तारीख को कम हुआ, तो उसके बाद में जब इसके बाद से जो बढ़ता ही चला गया 500 और 450 के स्तर पर, आज भी जो प्रदूषण स्तर 450 के करीब है, जो कि लोगों के लिए खतरों की घंटी अभी भी बनी हुई है। इस चीज को लेकर के जो प्रदूषण विभाग के अधिकारी या जिला प्रशासन या नोएडा प्राधिकरण है, उनकी तरफ से अभी भी कोई 4 से 5 दिन हो गए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है प्रदूषण को देखते हुए। और जो कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, वहाँ खुदाई भी चल रही है, धूल मिट्टी उड़ रहे हैं, उन पे भी ना ही कोई रोक लगाई जा रही है, ना ही कोई गाइडलाइन अब जारी की जा रही है, ना ही कोई अधिकारी मौके पे पहुंचकर उसका मुआयना करता हुआ दिख रहा है। विनायक, क्योंकि ऑड इवन का फॉर्मूला भी दिल्ली में लागू किया गया है, क्या उसका कुछ असर नजर आ रहा है? 2-3 दिन हालांकि बीच में बंद रहा है, प्रकाश पर्व की वजह से भी ये फॉर्मूला नहीं दिखाई दिया, लेकिन अब क्योंकि जिस तरह से हमने देखा शुरुआत के दौर में जब ये फॉर्मूला लागू हुआ था, सड़कों पर ऑड और इवन नंबर की गाड़ियां अलग अलग नजर आ रही थी, पॉल्यूशन में कुछ हद तक कमी नजर आई थी, लेकिन एक बार फिर से इस पर इजाफा हुआ है, क्या वाकई ऑड इवन का फॉर्मूला इस पर कंट्रोल कर पाएगा? जी आपको बता दूं कि लोगों को इस ऑड इवन को लेकर के राय ली गई थी, तो लोगों का साफ तौर पे कहना है कि ऑड इवन को लेकर के जो किए गए थे, उस चीज को लेकर के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि कुछ ना कुछ कमी आई थी, पर सरकार को या प्रदेश सरकार को या दिल्ली सरकार को या केंद्र सरकार को कुछ ना कुछ ऐसा सोचना होगा पॉल्यूशन को लेकर कि लोग पॉल्यूशन स्तर पे कमी, बहुत ज्यादा कमी ला सके। 10 से 5% कमी आती है, इससे लोगों को फिर भी हानिकारक बनी रहती है, लोगों को सांस लेने में दिक्कतें होती है। और वहीं कल सीएमओ से भी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि दीपावली के बाद से हॉस्पिटल में जहां 50 मरीज आते थे दमा के और सांस लेने की दिक्कत में, आंखों में जलन के, वहीं अब डबल आ रहे हैं मरीज, की 100-150 ऐसे में रोज लगातार आ रहे हैं। इस चीज को लेकर के सीएमओ का भी साफ तौर पर कहना, अगर जब ज्यादा ही जरूरत हो तब घर से बाहर निकले, और निकलना है तो मास्क और चश्मा लगा करके निकले, जिससे आपकी आंखों में जलन ना हो और प्रदूषण से आप बच सके। जी ठीक है, बने रहिए हमारे साथ विनायक, के हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त मेरठ से। के एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके आसान शिकार होते हैं बच्चे और बुजुर्ग, क्या स्कूली व्यवस्थाएं इस तरह से मुकम्मल की जा रही ताकि बच्चों को पॉल्यूशन से बचाया जा सके, या फिर उनको मास्क वितरित करने का कोई कार्यक्रम चल रहा हो? वंदना आपने बड़ा सटीक सवाल पूछा है, क्या बच्चों को प्रदूषण से बचाने के लिए स्कूलों में कार्यक्रम हो रहे हैं या स्कूलों में इस तरीके का कोई योजना बनाई गई है? लेकिन बनाएंगे तो तब जब स्कूल के लोग भी इसी के लिए संवेदनशील होंगे। ऑड इवन का इतना बढ़िया फॉर्मूला दिल्ली सरकार ने चलाया है, लेकिन विभिन्न सरकारों के बीच में सामंजस्य नहीं है, क्योंकि कहीं ये वोट बैंक का मसला ना बन जाए, इसलिए ऑड इवन यूपी के कुछ क्षेत्रों में अगर लागू कर दिया जाता जो दिल्ली से लगे हुए, तो चीजें कंट्रोल होती। लेकिन स्कूलों की बात करें तो बच्चे अपने आप ही घर से मास्क लेकर आ रहे हैं, और मास्क की भी 5 कैटेगरी है, जो N95 वाला मास्क है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, ऑपरेशन थिएटर में लगने वाला, कुल 5 रुपए का मास्क लगाकर बच्चे जा रहे हैं, उसके प्रति ना तो टीचर्स को ही मालूम है, ना ही स्कूल प्रबंधन को मालूम है, और ना ही दूसरे लोगों को मालूम है, उन्होंने मास्क लगा लिया, काम खत्म हो गया। और दूसरी, उन स्कूलों के पास 3-3 घंटे जाम लगा रहता है, और ये जो लोग वहां पे ट्रैफिक जाम होता है, बड़ी बड़ी कारों में अपने बच्चों को छोड़ने आते हैं, क्या वो इन दिनों छोटे व्हीकल्स पर नहीं आ सकते? क्या वो इन दिनों रिक्शा का यूज नहीं कर सकते? लेकिन नहीं, संवेदनशीलता नहीं है, उन्हें नहीं मालूम है कितनी ग्रिम स्थिति हो गई है, कितनी खतरनाक स्थिति हो गई है, और इसको समय रहते नहीं रोका तो किडनी पर और सांस की नली पर असर पड़ना बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है कि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, निजी वाहनों से बचे, ताकि प्रदूषण में किस हद तक कम देखा जा सके, जो प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और सांसों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका के और विनायक भी हमारे साथ जुड़े।